सत्य। दोस्तों, गीता जी के अनुसार स्थिर बुद्धि कैसे होती है, यानी श्री कृष्ण जी ने गीता जी में बताया कि स्थिर बुद्धि होने से योग युक्ति होती है, योग युञ्जय होती है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन वहाँ होता है, जिसे संतों की भाषा में सुरत व शब्द का योग भी कहते हैं। तो गीता जी का अध्याय 2 और श्लोक नंबर है 68, इस पे लिखा है, हे माँ बाओ, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय में सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति या साधक की इंद्रिया वश में है, यानी इन प्रत्येक 5 इंद्रियां होती है, प्रत्येक इंद्रियों का एक यानी आनंद होता है या एक उसका विषय होता है, तो उन विषयों से हट करके इंद्रियों को परमात्मा की ओर लगाना, या उन जो इंद्रियों का जो विषय भोग है, जो विषय है, उसमें से मन को हटा करके ईश्वर की ओर लगाना। तो यही कह रहे कि उस व्यक्ति की, साधक की स्थिर बुद्धि हो जाती है जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, यानी जिसकी इंद्रियां अपने विषय भोग से हटकर परमात्मा की ओर है। और जब ऐसी स्थिर बुद्धि हो जाती है तो तब जो है योग युक्ति उस शरीर के अंदर हो जाती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन वहाँ हो जाता है। तो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, कर्मेंद्रिय, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, और इनकी ही 5 ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं, कान, नेत्र, रसना, नासिक, त्वचा। प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय होता है भोग का, जिसमें व्यक्ति संसारिक रूप से आनंद लेता है, लेकिन जो संत प्रवृत्ति के होते हैं या जिसने स्थिर बुद्धि कर ली होती है, उनका जो है इस विषय से, इंद्रियों के इस विषय से मन हट करके ईश्वर की ओर लग जाता है। तो इन इंद्रियों के, 5 इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। तो शब्द यानी कुछ हमें, शब्द यानी ध्वनि जो हमें अच्छी लगती हो, यदि हमारी किसी ध्वनि में या किसी शब्द में आनंद आ रहा है तो समझ लीजिए कि हमारी शब्द में आसक्ति है। और यदि रूप में हमारी कोई आसक्ति है कि हमारे गुरु का यह रूप है, या ऐसा हमारी पत्नी ऐसी है उस रूप में, या ऐसी वस्तु है, यानी उस वस्तु के रूप में या मनुष्य के रूप में यदि साधक की आसक्ति है तो वह ईश्वर की ओर नहीं है और उसकी स्थिर बुद्धि अभी नहीं हुई है। और यदि रस में आनंद ले रहा है, गंध में आनंद ले रहा है और स्पर्श में आनंद ले रहा है, स्पर्श का मतलब दो व्यक्तियों का आलिंगन को स्पर्श कहते हैं, यदि उसमें विषय भोग में आनंद ले रहा है तो अभी स्थिर बुद्धि नहीं है। और स्थिर बुद्धि कब होगी? जब हमारी आसक्ति शब्द, रूप, रस, गंध व स्पर्श से हट करके ईश्वर की ओर लग जाएगी, नाम जाप में, मंत्र जाप में लग जाएगी। तो आइए इस और बड़े श्री कृष्ण जी जो कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हमें अपने इंद्रियों के विषय भोग से हट करके परमात्मा की ओर लगना चाहिए। सतनाम सत्साई।